हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको मेरे सारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं वन डे आउटिंग के लिए। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी बजे है सुबह के 8 और अभी हम लोगों का प्लानिंग है कि 8:30 तक हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 9:30-10 तक हमारा चेक इन है। तो उसके बाद फुल डे फन एक्टिविटी है। तो आज हम जिस जगह पे जा रहे हैं ना, उस जगह पे मैं पहले भी गया हूँ, लेकिन मैं बहुत साल पहले गया था। तो अभी वो जगह पे क्या क्या चेंजेस हो गया है वो सब मेरे को देखना है। और वो जगह मैं जब गया था ना, वो बहुत ही अच्छी थी। हम लोगों ने वन नाइट वहाँ पे स्टे किया था, वो भी टेंट के अंदर। तो बेसिकली उस टाइम पे वडोदरा के आसपास में ये एक ही रिसोर्ट बना था जो रिवर बेड के एकदम बगल में था। तो उस टाइम पे हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी की थी। और ये जो जगह है ना, वो इंडियाज बिगेस्ट और लार्जेस्ट जिप लाइन वाला रिसोर्ट बोला जाता है। तो वो 2.5 किलोमीटर का जिप लाइन है पूरा। तो वो जगह कौन सी है वो आप लोगों ने थंबनेल में देख के पता चली गया होगा। तो अभी फटाफट से मैं निकलता हूँ वहां जाने के लिए और आपको वो जगह बताता हूँ। तो वहां पे स्विमिंग पूल भी है, तो स्विमिंग पूल के लिए कपड़े ले लिए। और ये जो काली बैग देख रहे हो उसमें तो जादू है, आपको पता ही होगा कि क्या है। इसके अंदर है ड्रोन, तो आपको ड्रोन शॉट भी देखने को मिलेंगे, बहुत ही मस्त वाले। और एकदम नदी के बगल में है तो वो उसका व्यू बहुत ही मस्त आएगा ड्रोन में। बस एक चीज होनी चाहिए, नदी में मस्त पानी रहना चाहिए। तो जिस जगह पे अभी हम लोग जा रहे हैं ना, वो जगह वडोदरा से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ पे जाने के लिए आपको सबसे पहले तो कपुराई चौकड़ी आना पड़ेगा और वहाँ से आपको डभोई की ओर जाना पड़ेगा। और अभी हम लोग डभोई वाले हाईवे पर ही है। तो अभी हम पहुँच गए हैं डभोई चौकड़ी पर। यहाँ से सीधा जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी पर। लेकिन आज हम लोग वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, आज हम लोग मस्ती करने के लिए जा रहे हैं। तो हमको यहाँ से लेना है राइट और हमको हमारी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहना है। फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं हमारी मंजिल पर। और हाँ, जगह का नाम है ओरसंग कैंप। गूगल पर आप सर्च करोगे तो आपको ओरसंग कैंप के नाम से मिलेगा। उसकी लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। और हाँ, ये जगह मुझे पर्सनली इसलिए पसंद है क्योंकि अभी आप लोगों ने जो गेट देखा, उस गेट से जैसे ही आप नीचे आओगे ना, तो आप नो नेटवर्क जोन में एंटर हो जाओगे और आप रोज़ की दुनिया से एकदम अलग हो जाओगे। और आप जो नेचर के मज़े करने के लिए आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप यहाँ पे आए हो ना, उसका आप पूरा मज़ा ले पाओगे। और हाँ जी, ये रास्ता एकदम ऑफ रोड है और एकदम मस्त रास्ता है। तो आपको जैसे ही एंटर करोगे ना, आपको मस्त विलेज वाला फील आएगा। सो फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं ओरसंग रिसोर्ट पे और यहाँ पे अभी कराएंगे एंट्री। और यहाँ पे अभी अहमदाबाद से 4 बस स्कूल के स्टूडेंट आए हैं। तो अभी अंदर जाके देखते हैं कि कितनी भीड़ है, कितनी मज़ा आती है। हम लोग सोच के आए थे कि आज सैटरडे है तो उतनी भीड़ नहीं रहेगी, लेकिन अभी 4 बस यहाँ पे है और हमारी गाड़ियाँ है, हम लोग 35 लोग हैं। तो अभी अंदर जाके देखते हैं कितनी भीड़ रहती है और एक्टिविटी में कितना मज़ा आता है। तो चलिए आपको भी अंदर ओरसंग रिसोर्ट में मैं आपको घुमाता हूँ।
आप लोगों को यहाँ से सीधे आगे जाना, जहाँ पे स्पीकर लगे वहाँ से आप लोगों ने राइट टर्न लेना है। थोड़ा सा आगे जाओगे वहाँ पे एक बड़ी सी वॉल क्लाइंबिंग आएगी टायर वाली, उसके लेफ्ट साइड में वॉशरूम है, फ्रेश हो सकते हैं। और सीधे आगे जाओगे तो रास्ता निकलता है स्विमिंग पूल के पास में। स्विमिंग पूल के राइट साइड में डाइनिंग हॉल है, ब्रेकफास्ट लंच हाई टी आप लोगों का वहीं पे रहेगा। अगर किसी को चार्जेबल एक्टिविटीज करनी रहेगी जैसे कि जिप लाइन, जो कि यहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी जिप लाइन है यहाँ पे 2.5 किलोमीटर की, उसका प्राइस 700 रुपीज रहेगा। उसमें वेट लिमिट है 40 और 80 के बीच में वेट होना चाहिए। दूसरा है स्विंग जंप टाइप ऑफ बंजी जंपिंग, उसका प्राइस 200 रुपीज रहेगा, उसमें भी सेम वेट लिमिट है। ओके, तीसरी एक्टिविटी है इको गो कार्टिंग, एक पेडल वाली साइकिल है फोर व्हील, उसका प्राइस 100 रुपीज रहेगा। तो 3 बजे ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी को ये एक्टिविटीज करनी हो तो उसका कूपन आप लोग को रिसेप्शन काउंटर से मिल जाएगा, नहीं तो लंच के बाद आप लोग स्विमिंग पूल एंजॉय कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, उसमें भी आप लोग जा सकते हैं। बट जो आर्टिफिशियल वाटरफॉल है डिपेंड करता है लाइट पे, अगर लाइट होगी तो वाटरफॉल चालू रहता है, लेकिन लाइट नहीं होगी तो वाटरफॉल बंद रहेगा। बाकी स्विमिंग पूल ऑल टाइम चालू रहता है। दोनों में स्विमिंग कॉस्ट्यूम कंपलसरी है, अगर आप लोग लाए हो तो यूज कर सकते हो, नहीं तो स्विमिंग पूल के पास रेंट पे मिलता है 50 रुपीज करके, वहां से आप लोग ले सकते हैं। 5 बजे ऑल एडवेंचर एक्टिविटीज बंद हो जाती है, तो जो भी एक्टिविटीज आपको करनी हो 5 बजे से पहले फिनिश करनी रहेगी। ओके, तो भाई यहाँ पे अभी स्विमिंग पूल पे एरिया में आप लोगों ने देखा ही, इसके पीछे जो औरसंग नदी है ना उसमें पानी बहुत ही कम है। जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे ना तो पानी एकदम भरा हुआ था, अभी इस बार पानी बहुत ही कम है, तो अभी जिप लाइन का तो उतना मज़ा आएगा नहीं। सर बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, टोमेटो ज्यादा खाते हैं सर, आपकी बात कर रहा हूँ। नाइस हेयरस्टाइल कैलाश खेर जी। यस सर, टोमेटो ज्यादा खाते हो ऐसा लग रहा है मुझे, प्यारे प्यारे लग रहे हो। ओके, तो व्हाट्स माय नेम? चलो हाँ, क्यों लागे नहीं कोई बोले सर। ओके, तो यहाँ पे करनी है थोड़ी मस्ती, तो यहाँ पे गेम्स में करवाने जा रहा हूँ। राइट राजपाल जी, क्या देख रहे हो, किसी का इंतजार कर रहे हो? यहाँ पे हरियाली हरियाली बहुत है। आई एम नॉट टॉकिंग डेथ हरियाली, आई एम टॉकिंग ग्रीनरी, डोंट वरी। ओके, चलो तो यहाँ पे मस्ती बहुत करनी है, मजा बहुत करना है। वो कहते हैं कि मस्ती है तो चलती है, बाद में पता चलता इतना बड़ा आदमी था, तो मुझे ऐसा हो जाना पड़ता है। पहले से बता दीजिए, हु इज द बॉस? प्लीज प्लीज प्लीज, फ्रीली फ्रीली, नोबडी इज बॉस, एवरीवन इज बॉस। यार इनके हेयर स्टाइल नरेश कनोडिया, ताली बजा दो। ओके, यानी देखो आज एक क्वेश्चन है आपसे, आप कहीं पे भी जाते हो या चाहे वो इको गो कैंप हो चाहे कुछ भी हो, एक क्वेश्चन है, मस्त एंजॉयमेंट के लिए जाते हो या कंपटीशन के लिए? तो सीधी सी बात है, जिसको भी कुछ भी बना दे तो बुरा मत लगे। अरिजीत आपको आना है आगे, लेट्स क्लैप फॉर अरिजीत। ओके, क्या नाम है सर आपका? मुकुंद। और सर उनके बाजू मिस्टर ऋषि कपूर, कम कम फॉरवर्ड सर। माय गॉड, कितना मजा है ना। ओके, यहाँ परिवार में वो कौन सा बंदा है जिन्होंने जिंदगी में कभी इतने सारे दोस्तों के बीच डांस नहीं किया? कम ऑन, टेल मी वन मैन नेम, कम ऑन फास्ट। द सीरियस मैन ओवर देयर इन द येलो टी शर्ट, तमन बोला उन्हें लगे यस सर, प्लीज कम।
भाई ताली बजा दो, ताली तो बजती रहनी चाहिए यार प्लीज। हमने तो कहें कि लग्न नो डांस करो तो भी करी ले। ओके यहाँ पे एक छोटी सी कंपटीशन होने वाली है, इट्स कॉल्ड डांस कंपटीशन, राइट। स्टेप बाय स्टेप ईच मेंबर विल कम एग्जैक्टली इन द सेंटर और थोड़े लटके मटके झटके दिखाने फॉर 20 सेकेंड्स। ओके और सिलेक्शन मैं नहीं करूंगा, मैडम कितना खुश थे कि सबके सबके थवा जा रहे हैं। आ जाइए सर, सर आप आ जाइए, हाँ सर आप आ जाइए। वाह ऐसा ऐसा क्यों चल रहा है भैया सर, हाँ इधर आ जा, बच्चे के लिए ताली बजाओ यार। ओके ही डजंट नो मी पर्सनली, यानी ये जज है, ये सिलेक्ट करेगा कि एक दो तीन चार इनमें से किसका सबसे बेस्ट आंसर। आई विल गिव द टिकट ऑफ द इंडियाज लॉन्गेस्ट जिपलाइन वर्थ रुपीज 700 फ्री। यार सही बोल रहा हूँ यार, ताली बजाओ यार। तो ऋषि कपूर जी आपसे शुरुआत करते हैं, कंपनी में क्यों नहीं आता है वो सब बाद में, अभी नहीं। ओके ऋषि कपूर जी रेडी, लेट्स डू इट, कम ऑन, यस कम ऑन, कम इन द सेंटर, यस। ओह माय गॉड व्हाट अ शिट, तालियां बजाए आपका ही परिवार है, व्हाट अ शिट। आज खाना पड़वाना, वाह। वॉल्यूम डाउन कर दे, हाँ वॉल्यूम डाउन कर दे, पूरा पूरा डाउन कर दे। हाँ सर एक बात कहूँ, आपको थोड़ी सी व्हाइट दाढ़ी होती ना, अभी मैंने बोला डांस कंपटीशन है, आपको ऐसा लगा मैं 10-20 फीट के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, मोदी जी जैसा फीलिंग आया। ये क्या है सर, इट इज अ डांस कंपटीशन, कम ऑन मैन। मैक्सिम यहाँ तक क्यों बोल रहे हैं। ओके कोई बात नहीं सर, इतना भी कर रहे हो वो भी हमारे लिए ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट होता है, वही सॉन्ग सर वापस बजा। राजपाल यादव जी आ जाइए, आपकी नजर में एक मिनट उबर उबर है, डायरेक्ट पॉइंट ना कर, शांति राख आंगड़ी ना कराए। हाँ तुमने के जम बोली सर, आई एम ओके। आपकी नजर में चार में से फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, कम ऑन फर्स्ट। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशन, चले चले। अरे सर टाइट है, अरे वापिस प्ले कर दीजिए, जल्दी आप खेलो, 10, 9, 8, 7, 6, जल्दी क्या बना के रखा है, 4, 3, 2, 1, बंद कर दीजिए। वाह
मचाइए, टेक योर पोजीशन, कम ऑन, बैठना है आधा, बढ़ने पहलवानी जरूर, आधा आधा, पर लड़ना नहीं भूला, यस, एप्रिशिएट के लिए नॉन स्टॉप तालियां, सर पैर ऊपर होना चाहिए और आधा, सर आधा बैठना है, हाफ हाफ, बैठो बैठो बैठो, माय गॉड व्हाट अ पोजीशन यार, कंपटीशन टफ है तो तालियां बजाते रहो, सर ऊपर नहीं होना है, नीचे ही बैठा रहना है, हाफ ही बैठा रहना है, सर यू आर आउट, माय गॉड टफ कंपटीशन, सर आधा बैठिए, आप पूरे खड़े हो, आधा आधा बैठो, आधा आउट, ओ माय गॉड शिफ्ट हो, you are doing right now push up without a break, come on, take your position, Mr. DJ, music, come on, let's go, bhai taali bajate raho, my god, nahi ye countdown nahi hai, jo bhi tick payega wohi jeetega, my god, iske muscle ko dekho yaar, mar jaye char mein se ye dono maza aa raha hai, wah, aaram se, yes, countdown nahi, काउंटडाउन नहीं, ये कब से ये जीत से, यस यस यू कैन शाउट, सर वापस प्ले कर दीजिए, वापस भाई ताली बजाते रहो, ताली बजाते रहो, कमॉन कमॉन कमॉन, ये भाई साहब के लिए थोड़ा एप्रिशिएशन ज्यादा चाहिए, बस बस बस, डीजे म्यूजिक पर फिनिश में, माय गॉड सर क्यों लागो हमें कैसे तीन तीन दिवस की एक्सरसाइज तुम्हें कराई थी, चलो जो भी है, इतने तीनों तीन लेवल को पार करना और यहाँ तक जीतना मुश्किल है, Thank you.
और ये आखिरी स्टेप, कम ऑन, और ये आखिरी स्टेप आ गया है, विक्ट्री साइन ध्रुवेश भाई। तो यहाँ पे रूम्स की भी फैसिलिटी है, यहाँ पे 8 कॉटेजेस है, दो या तीन मचान्स है कपल के लिए, और 3 या 4 डॉर्मेटरी है। अभी सब पैक है, स्कूल टूर के लिए सब लोग आए हुए हैं, 4 बस जो मैंने पहले भी बताया था वो सब, और अभी सब पैक है तो मैं अंदर से दिखा नहीं पाऊँगा। रूम फैसिलिटी अवेलेबल है, मैं इन लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे नीचे डाल दूंगा, अगर आपको यहाँ पे रूम बुक कराना है तो उनका कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज सुबह से आप जो एंटरटेनमेंट देखते आ रहे हो ना, वो औरसंग रिसोर्ट में यहाँ पे है अभी डीजे बट, उनका नाम है उत्कर्ष। तो वो हमको आज हम सुबह 10:30 बजे से आए और अभी दोपहर के 3 बजे, और कहाँ पे टाइम हमारा गया है ना वो हमको पता नहीं चला है। तो उत्कर्ष भाई थैंक यू। ओके, बेसिकली क्या होता है ना कि छोटी छोटी फैमिलीज आती है, बड़ी बड़ी फैमिलीज आती है, पर सपोर्ट तब मिलता है जब सामने वाला दोस्त हमारे साथ हो। तो वैसे ही पूरा एलएनटी परिवार मेरे साथ था, और खास करके मिस्टर ध्रुमेश शाह, उनका पेज जरूर फॉलो करना, क्योंकि देखो बंदा बहुत ही क्यूट है, और फॉलो नहीं किया तो तमने पोत पोताना लव वंस नी सौगंध छे। अरे प्लीज, औरसंग कैंप इज वेरी बेस्ट, यू कैन विजिट विद योर फैमिली एंड लव वंस। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू कैंप भाई, थैंक यू।
सो फाइनली अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। तो हमारा वन डे का पूरा एंटरटेनमेंट बहुत ही मस्त और मज़ेदार रहा। तो कंपनी का आउटिंग था तो एकदम फ्री माइंडेड थे, सब थे, मैनेजर्स थे और वो सब थे, तो एकदम मस्त और एकदम फ्री माइंडेड फ्रेंडली थे, तो बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ औरसंग रिसोर्ट जो मैं दूसरी बार आया हूँ, तो जब मैं पहली बार आया था ना तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ नहीं थी, थोड़ी ऐड की है इन लोगों ने, एडिशनल की है, और रहने के लिए भी फैसिलिटी इन लोगों ने इम्प्रूव की है, तो बहुत ही मस्त है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, यहाँ से अभी होगी हमारी रिटर्न जर्नी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय गाइस।